अनदर ब्लॉग और आज का ब्लॉग कुछ अलग होने जाने वाला है। मुंबई में फोर्थ स्टेज ऑफ लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है जो एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी, और आज मैं प्रॉपर परमिशन के साथ मुंबई को शूट करने जा रही हूँ। सो घर से निकल रही हूँ और देखते हैं कि मुंबई नगरी जो इतनी बिजी सिटी थी एक टाइम पे, आज उसका क्या हाल है। लेट्स गो एंड सी। मुंबई में क्या सीन है ना कि अभी अलग अलग एरिया जैसे अंधेरी, जुहू, बांद्रा, तो हर जगह पुलिस खड़ी है और वो आपको पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हो। आपके पास जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है और आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो तो लाइसेंस आपका लिया जाएगा और पड़ेंगे डंडे। सो मैं अभी अपनी एक दोस्त है उसके घर के नीचे उसका वेट कर रही हूँ, पिया वालेचा, और आज वो मेरे साथ आज के ब्लॉग में ज्वाइन करेगी। सो आई एम एक्साइटेड टू मीट हर आफ्टर 2 मंथ। यहाँ पर मैडम आ चुके हैं, पिया वालेचा। लेट लतीफ, आई एम सो सॉरी। माहौल काफी गंभीर है दोस्तों, देखते आगे क्या है। तो ये है अमिताभ बच्चन का बंगलो और जिसका नाम है जलसा। अभी यहाँ से मैं जा रही हूँ आगे टूवर्ड्स बांद्रा। ये जगह है जो बांद्रा लिंकिंग रोड है। ये जगह इतनी ज्यादा फेमस है, इतना चीप एंड रिजनेबल यहाँ पर स्टफ मिलता था, नॉट है। अभी ये जगह का हाल देखो, एक दुकान नहीं है यहाँ पर, सारे रास्ते खाली हो चुके हैं। यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। सलमान खान के घर के बाहर खड़े हम सब लोग। आप देखते हो सलमान खान को, आपको दिखते हैं? आप कहाँ रहते हो? प्यारे प्यारे बच्चे हैं, यहीं पे रहते हैं सामने। यहाँ पर सलमान खान का घर है। सलमान भाई, आपकी मूवी कब आ रही है? राधे। हेलो बेबी, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ ड्राइव करके? आई एम सो एक्साइटेड ना, आज हम इतने दिनों के बाद घर से बाहर निकले, ऑल थैंक्स टू सुपर रॉकस्टार आ रहे हैं। और वो भी पुलिस परमिशन के साथ। हम लोग कार्टर रोड पे घूम रहे हैं। कार्टर रोड पे घूमने का जो फील है ना, वो आ रहा है जैसे मैं कहीं पे अब्रॉड में घूम रही हूँ। एंड अभी हम जा रहे हैं शाहरुख खान का बंगला देख रहे हैं। माय गॉड, एक्साइटेड हूं मैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वापस से बच्ची बन गई हूँ। तो ये है मन्नत शाहरुख खान का बंगलो। बट आज यहाँ पर भी बहुत शांति है। जनरली यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, बस अभी लगता है खान साहब भी अंदर आराम फरमा रहे हैं। तो अभी जो मैं हूँ ये बांद्रा मस्जिद के बाहर हूँ और रमजान चल रहा है। रमजान के टाइम पे कोई यहाँ पर आए नहीं, इसलिए पुलिस यहाँ पर बैठी रहती है दिन रात। पुलिस भी बेचारी अपनी जान पे खेल के अपना ड्यूटी निभा रही है। हेड्स अप टू दैट। ये रास्ता जाता है सीलिंग पे और यू नॉट इमेजिन, लाइक जब रेगुलर डेज होते ना यहाँ पर दो दो घंटा ट्रैफिक जाम होता है, बट अभी सब कुछ खाली है। और ये जो है ना पूरा ये जगह, ये है लवर पॉइंट। लवर पॉइंट मीन्स यहाँ पर कपल्स आके बैठते हैं रात को, शाम को, और यहाँ पर रोमांस करते हैं। मुंबई का सबसे बेस्ट अट्रैक्शन, और यहाँ पर लिटरली लोग लॉन्ग ड्राइव पे आते हैं और यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आपके पास परमिशन है तभी आप खड़े रह सकते हो। और यहाँ पर मैं सीलिंग का शूट कर रही हूँ। ग्रे कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये है अंबानी हाउस। फाइव-स्टार होटल है ओबेरॉय एंड ट्राइडेंट, और दोनों होटल के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये सामने की जगह है, यहाँ पर बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। नरीमन पॉइंट का ये सबसे टॉप एंड हॉट लोकेशन है। ये पूरा ट्रैक ना यहाँ पर लोग जॉगिंग करते हैं, बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, सब लोग। और फिलहाल ओनली बर्ड्स। मुंबई हाई कोर्ट जहाँ पर मैं हूँ, अभी हाई कोर्ट तो बंद है, और अब यहाँ पर पूरा टाइम रहता है सुबह दिन रात। ये देख के समझ में आ गया होगा कि क्या है, होटल ताज कोलाबा। और ये है सिटी स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनल। ये मुंबई का सबसे बड़ा स्टेशन है एंड सबसे ज्यादा खूबसूरत। रात को यहाँ पर जो लाइट्स होती है ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। आई जस्ट लव दिस प्लेस। मैं बहुत बार पहले भी आई हूँ, लेकिन पहले कभी इतनी ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी।
अली दरगाह, शाहजी अली दरगाह सुन के ना मुझे वो जूस याद आ गया वहाँ का, और इतनी भूख लग गई है बाहर घूमते घूमते, कैसे दिन आ चुके हैं। पहले मुंबई में कहीं पे भी खड़े होके चाट खा लेते थे और कुछ भी खा लेते थे, कुछ चालू ही नहीं है, खाए तो क्या खाए, अपने पास जो प्रोटीन बार पड़े हैं वही खाए। छोटा सा बेल का आइकन है उसके ऊपर प्रेस जरूर करना है। और हाँ, घर के बाहर मत निकल जाना, मैं तो निकली थी आप लोगों के लिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।